नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत स्वागत करता हूं आपका हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा आपको आज हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, आज के जमाने में हर कोई जवान और खूबसूरत दिखना चाहता है। ये बात सिर्फ मैं महिलाओं के लिए नहीं कर रहा, पुरुष भी इसमें काफी आगे हैं। लेकिन महिलाएं सुंदर और जवान दिखने के लिए, चेहरे की झुर्रियां हटाने के लिए ज्यादा नुस्खे अपनाती हैं, और उनमें से एक है बोटॉक्स का इस्तेमाल करना, जिससे आप खुद को दूसरों के सामने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी खूबसूरती को भी निखार सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्या है बोटॉक्स, कैसे इस्तेमाल करना है इसे, कैसे झुर्रियां खत्म हो सकती है और क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, इसी के लिए आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश माथुर जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अगर आप डॉक्टर साहब से चाहते हैं किसी भी समस्या का समाधान, यानी कि बोटॉक्स से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बोटॉक्स होता क्या है। देखिए, बोटॉक्स तो एक न्यूरोपैरालिटिक एजेंट है, जिसको के बहुत ही कम मात्रा के अंदर लेकर के, और इसकी वायल बड़ी महंगी आती है, करीबन 10,000 के रुपए के लगभग की जो है वायल आती है। उसमें ज़रा सा उसमें इंजेक्शन में लेकर के जहाँ पे झुर्रियाँ पड़ी हुई रहती हैं, जैसे आँखों के पास में क्रोज फीट बोलते हैं जिनको, या झुर्रियाँ रहती हैं, या कहीं पर जो है लाइनें बनी हुई रहती हैं, तो वो वहाँ पे उनको एक निश्चित मात्रा के अंदर वहाँ पे उसको करके और उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि वो पैरालिसिस सा हो जाता है और वो झुर्रियाँ हल्की कम दिखने लग जाती हैं। लेकिन इसमें ये बिल्कुल जो इसके अंदर एक्सपर्ट हो, जो जिसने जो लगाता हो, जिसको पूरा ज्ञान हो चेहरे की एनाटॉमी का, उसी चिकित्सक से उनसे लगवाना चाहिए। अदरवाइज़ तो उसमें कहीं पे भी ज़रा सा भी कहीं साइड में लग जाए और लग जाए तो उसके अंदर पैरालिसिस हो सकता है, जो है वो आँख बंद हो सकती है या और दूसरी जो है वो लग सकती है। डॉक्टर साहब, बेसिकली बोटॉक्स काम किस तरह करता है स्किन पर? मैंने कहा ना, पैरालिसिस करता है। वो जो जितनी जो वहाँ की जो स्किन है, जो जो झुर्रियाँ जो पड़ी हुई है, उसको पैरालिसिस कर देगा, तो वो उसको लेकर के और वो सीधी सीधी दिखने लग जाएंगी, उसके अंदर झुर्रियाँ नहीं दिखेंगी। और भी इसके अलावा बहुत सारी तकनीक हैं जिससे कि चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाती हैं या जिससे चेहरे के ऊपर निखार आता है। बोटॉक्स तो एक चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें भी उपलब्ध हैं। अगर आप भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से स्किन से संबंधित किसी भी समस्या से पे अपना सवाल, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं आपसे कि बोटॉक्स कौन कौन सा एज ग्रुप है जो काम में ले सकता है? देखिए, एज ग्रुप के अंदर तो जो नॉर्मल कोर्स के अंदर, तो जिनके जहाँ पे जहाँ झुर्रियाँ ज़्यादा होती है और जहाँ पे ये लाइनें ज़्यादा होती है, उसके अंदर काम में लेते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब किन क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए जब बोटॉक्स काम में लेते हैं? तो देखिए, जब वो प्रिकॉशंस तो जो है जो चिकित्सक जो लगाता है, जो जो डर्मेटोसर्जन या जो डॉक्टर जो लगाता है, वो सारे प्रिकॉशंस लेता है, तो इसके अंदर कोई पेशेंट के लिए कहीं कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए कोमल जी जुड़ गई हैं गंगानगर से हमारे साथ। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी कोमल जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, हाँ जी, स्किन प्रॉब्लम है इसको, चेहरे पे ना बहुत काफी दाने से हो रहे हैं और वो सही नहीं होते हैं, कम से कम 2 साल हो गए। क्या क्या एज ग्रुप है आपका, क्या एज है? एज है करीब 16-17। हाँ, तो एक्ने होंगे, कील मुहासे होंगे, जिसको कि एक्ने वल्गरिस बोलते हैं, दाने हो जाते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर या तो वो काले रंग के दाने होते हैं जिसको कि ब्लैक हेड्स बोलते हैं, या अंदर छोटे छोटे वाइट होते हैं जिनको वाइट हेड्स बोलते हैं, और या फिर जो है ना उनके अंदर मवाद पड़ करके नोडुलोसिस्टिक एक्निक बन जाती है, एक्ने बन जाती है। तो एक्ने वल्गरिस जो है जिसको बोलते हैं, इसके लिए आपको चेहरा कई बार अच्छी तरह से धोना चाहिए और सादे पानी से साफ़ करके उसके ऊपर तेल न जमा होने दें, और अपने चिकित्सक को दिखा करके, जो है डर्मेटोलॉजिस्ट को या त्वचा रोग चिकित्सक को दिखा करके, इसके लिए पूरा इलाज आप ले सकते हैं, जो कि आपको कुछ दवाइयाँ देंगे खाने के लिए, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं और कुछ एक्ने वॉश होते हैं, और लगाने के लिए कुछ ट्यूब्स मलम या क्रीम होती है, वो उससे हो सकता है। इनको नोचना कभी नहीं चाहिए इन दानों। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए कील मुहासों की समस्या अक्सर देखी जाती है लोगों में, तो उसका क्या रीज़न होता है, किस वजह से होते हैं कील मुहासे? देखिए, अर्बित, जो कील मुहासे होते हैं
वो कील मुहासे जो त्वचा की जो तेलीय ग्रंथियाँ होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड जो होती हैं, उनके अंदर जब रुकावट आ जाती है, वो नॉर्मल तौर पे जो सीबम उसमें सिक्रीट करते हैं, और वो जो सिक्रीशन जो सिक्रीट करते हैं, यदि उनके अंदर रुकावट आ जाती है तो वो वहीं की वहीं अंदर के अंदर ही जो है वो ग्लैंड जो है फूलने लग जाती है, और अंदर उसको फूल करके फिर वो फूट जाती है तो बाहर उसके अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है और कील मुहासे बन जाते हैं। यदि वो छोटे अर्ली स्टेज पे हों और खुल जाता है उनका मुंह, तो उससे जो है केमिकल रिएक्शन होकर के काले दाने बन जाते हैं, जिनको कि ब्लैक हेड्स बोलते हैं। यदि वो खुले हुए नहीं रहते हैं तो वो उनको वाइट हेड्स बोलते हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवराम जी हैं भीलवाड़ा से। शिवराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब माथुर जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे नहाते मेरे शरीर में खुजली चलने लगती है। हाँ हाँ, देखिए, जो नहाते ही शरीर में खुजली चलती है, एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं इसको, और कई लोगों के जो है ना ये काफ़ी आम बीमारी है। तो इसके लिए जो है ना, आप उसमें कुछ दवाएं देंगे आपके त्वचा रोग चिकित्सक, वहाँ पे जो भी आपका त्वचा रोग चिकित्सक हो, जो स्पेशलिस्ट हो, उससे आप लेंगे तो कुछ एंटी हिस्टामिन की गोलियाँ देंगे, जो कि स्पेसिफिकली ये जो नहाने के बाद में खुजली होती है उसका, उसके लिए उसमें बड़ी कारगर होती है। दूसरा, आप अपने आप रूटीन के ब्लड टेस्ट भी जो है वो करवा लीजिए। कई बार हीमोग्लोबिन की मात्रा के कम ज़्यादा होने से, या ब्लड के रेड ब्लड सेल्स के कम ज़्यादा होने से, उससे भी फर्क पड़ता है, तो ये ज़रूर से करवा लीजिए आप। डॉक्टर साहब, अभी के लिए आनंदी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ अजमेर से, एक और दर्शक हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो सर, मुझे ये पूछा, मेरी स्किन यहाँ बहुत ऑयली है। हाँ हाँ, ऑयली, बहुत ही ऑयली हो जाता है चेहरा। आप ऑयली चेहरे के लिए जो है, क्योंकि आप तो मेल हैं, इसके अंदर आइसोटेटिनोइन नामक दवाइयाँ होती हैं, जो कि मैं जो है डर्मेटोलॉजिस्ट से आप प्रिस्क्राइब करा करके लो डोज के अंदर कम मात्रा में ले सकते हैं, तो उससे आपको ये ऑयलीनेस कम हो जाएगी। बाकी इसको आप चेहरे को कई बार सादे पानी से धोएं, या सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, इस तरह के जो है एक्ने वॉशेज होते हैं, वो कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर देगा, तो उनके इस्तेमाल करने से आपको ये ऑयलीनेस कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कील मुहासों की, तो डॉक्टर साहब उससे प्रिकॉशन किस तरह रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम नहीं काम में लें, या फिर क्या हो सकता है उसके? कील मुहासों के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है किताबों में, लिटरेचर के अंदर, कि सब तली हुई चीज़ें नहीं खाएं, आलू चावल नहीं खाएं, चॉकलेट नहीं खाएं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई स्पेसिफाइड वो नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च जो चल रही है उसमें एक बात निकल के आई है कि जिनके कील मुहासे होते हैं, तो उसके अंदर जो डाइट का जो रोल है, वो दूध ज़्यादा मात्रा में जो लेते हैं, वो यदि उनके हर उनके टेंडेंसी है, तो दूध से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। कई लोगों के जो है वो, ये तो हुई खाने पीने की बात, यदि कील मुहासे किसी को हो जाते हैं, उनको नोचना नहीं चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको सादे पानी से दिन में कई बार मुँह धोना चाहिए, और जो त्वचा रोग चिकित्सक जो ट्रीटमेंट है उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। यदि उसको ज़्यादा दिन तक आपने रख लिया तो, और वो ठीक नहीं होने दिया, तो उसके अंदर गड्ढे पड़ जाएंगे, और जो गालों के ऊपर जो गड्ढे पड़ जाते हैं छोटे छोटे, उसमें आइस पिक स्कार्स हो जाते हैं, रोलिंग स्कार्स हो जाते हैं, बॉक्स स्कार स्कार्स हो जाते हैं, फिर वो स्कार जो है वो मिटने के लिए उसमें काफ़ी कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ती है, लेज़र करना पड़ता है, डर्मेब्रेजन करना पड़ता है, वो काफ़ी मुश्किल का काम है, और वो अच्छे सेंटर पे या फिर अच्छे किसी क्लिनिक के अंदर जिसके पास में सारी हो, वो ये कर सकता है। वेनु जी भी जुड़ गए हमारे साथ श्रीगंगानगर से। वेनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या है, मेरी ना स्किन जो है ना, वो ना बहुत ज्यादा ऑयली रहती है। हैं? स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, जैसे जो मार्क्स हो जाते हैं ना, उनके निशान रह जाते हैं। जी देखिए, ऑयली की तो बात हमने अभी दो मिनट पहले ही करी थी, अगर आपने अपने टीवी सेट ट्यून किया हो थोड़ी देर पहले तो आपने सुना होगा। ऑयलीनेस के लिए तो आप इसको चेहरे को कई बार धोएं, या एक्नी वॉश से धोएं, या फिर किसी चिकित्सक से जो कुछ गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं वो ले सकते हैं, उससे ऑयलीनेस कम होती है। और जहाँ तक सवाल है इनके दाग होने का, तो मैं अभी यही बता रहा था दर्शकों को कि इसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा नोचना नहीं चाहिए, इनको प्रॉपर इसका इलाज लेना चाहिए, क्योंकि एक बार इसके अंदर यदि गड्ढे पड़ने की टेंडेंसी हो और गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, तो बाद में उनको ठीक करने में बहुत परेशानी होती है और काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कील मुहासों के दाग की, तो उन्हें किस तरह कम किया जा सकता है, ख़त्म भी हो सकते हैं वो दाग कभी?
देखिए कील मुहासे के दाग भी दो तीन तरह के होते हैं, एक तो जो काले बिल्कुल जो उभरे हुए नहीं हों और स्किन के लेवल के ऊपर जो काले रंग के दाग पड़ जाते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जो हाइपरमेलनोसिस होते हैं, उसमें तो कई प्रकार की दवाइयाँ होती है, कोजिक एसिड और टर्मरिक कोजिक एसिड बहुत कई प्रकार की जो है वो आजकल दवाइयाँ आती हैं, उनका इस्तेमाल करने से ये कम किया जा सकता है, कम हो जाते हैं कुछ। लेकिन यदि उनके गड्ढे पड़ जाते हैं तो गड्ढों का इलाज जो है वो काफ़ी मुश्किल से होता है। गड्ढों के इलाज के लिए हमको इसके अंदर या तो डर्मेब्रेजन करना पड़ता है या इसके अंदर CO2 लेज़र होती है या फ्रैक्शनल लेज़र होती है, वो कई प्रकार की लेज़र करनी पड़ती है, या माइक्रो डर्मेब्रेजन करना पड़ सकता है, या फिर एक आजकल जो है लेटेस्ट जो करते हैं वो माइक्रो नीडलिंग करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करके और उसके अंदर जो है CO2 लेज़र कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कर सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक 40-60% तक जो है वो फ़ायदा हो जाता है और मरीजों को काफ़ी संतुष्टि मिली है ऐसे प्रोसीजर से। डॉक्टर साहब अभी के लिए राजेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ जोधपुर से। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। राजेंद्र जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो राजेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। आफ्टरनून डॉक्टर साहब, दिनेश साहब, वेरी गुड आफ्टरनून प्लीज। वेरी गुड आफ्टरनून राजेंद्र जी। मैं बिल्कुल बंद कर दिया सर, बिल्कुल कुछ है। हाँ, अपना सवाल पूछिए राजेंद्र जी। हाँ मैं डॉक्टर साहब जिनकी आई मैं 58 साल का हूँ और मेरी अभी कुछ हाथ में और मुंह पर काले काले दाग से आ गए हैं, फॉर्मेशन हो गया है। हाँ। कभी कभी ऐसा ब्राउन लगता है जैसे कोई मच्छर हो गया, हाथ में बहुत ज्यादा हो गया, मुंह में भी हो गया था सब। एज एज क्या है राजेंद्र जी? आई मैं 58 ईयर्स ओल्ड, मैं कमिश्नर का पी हूँ सर। हाँ हाँ, तो ये मस्से जो हैं वो दो तीन तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो हो सकता है वेरुका प्लेना हो, मस्से ही हो जिसको कि इन्फेक्टिव मस्से बोलते हैं, यदि वो हैं तो उनको तो हटाना पड़ेगा और मशीन से, या तो उसके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी करते हैं, क्रायो सर्जरी करते हैं, या फिर उसको केमिकल कॉटरी से उनको हटाया जाता है। दूसरा, इसी से मस्सों से मिलते जुलते कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे जिसको एक्रोकेरेटोसिस वेरुसीफॉर्मिस बोलते हैं। अभी तो टेक्निकल लफ्ज़ों में तो आप को मैं जो है ना वो कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन इसके लिए या तो बायोप्सी करा करके या फिर अपने किसी क्वालिफाइड त्वचा रोग चिकित्सक से आप मिल करके ये तय कर सकते हैं कि ये इन्फेक्टिव मस्से हैं क्या। यदि इन्फेक्टिव मस्से हैं तो उनको फिर हटाना बहुत ज़रूरी है, और यदि इन्फेक्टिव नहीं है, दूसरे प्रकार के हैं, वो तो शरीर पर रह भी सकते हैं, और उनको हटाने के लिए तो फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ेगी, या तो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी से या CO2 लेज़र से। आजकल बहुत नई नई चीज़ें जो है एडवांसमेंट आ गए हैं स्किन डिजीज। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप जी अलवर से। संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कैलोरी डेफिशिएंसी है। हाँ, किलोइड। हाँ, कैलोरी डेफिशिएंसी है। नहीं, डेफिशिएंसी तो नहीं होती, किलोइड तो गांठें सी हो जाती है, वो होगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो सर मेरे जैसे बिल्कुल छाती पे सामने की तरफ, हाँ, थोड़ा सा इसके पूरा रीजन पर। देखिए ये क्या होता है, इसके कई लोगों की टेंडेंसी होती है, जिनको किलोइड बनने की टेंडेंसी होती है, जिनके कहीं पे भी कोई चोट लग जाए तो वो हाइपरट्रॉफिक स्कार होकर के मोटी गांठ सी बन जाती है, और सबसे ज़्यादा कॉमन ये छाती के ऊपर सामने के ऊपर यहाँ पे होती है, इसके अलावा कहीं पे भी हो सकती है। कई लोगों को जिनको ये टेंडेंसी होती है उनको स्पॉन्टेनियस किलोइड बनते रहते हैं, और वो स्पॉन्टेनियस किलोइड बनने के साथ साथ उनका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यदि उनका ऑपरेशन किया जाए तो वापस जहाँ पे ऑपरेशन का जो टांका लगाते हैं उसके ऊपर भी वो किलोइड बन सकता है जिनके टेंडेंसी हो। इसके लिए हम लोग अच्छी खासी मात्रा के अंदर जिंक देते हैं, विटामिन ई देते हैं, और कई प्रकार के लगाने की दवाइयाँ होती है जो कि, हाँ, एक का आप घरेलू इलाज कर सकते हैं, उसके अंदर प्याज जो होता है अपना, प्याज का रस, वो प्याज का रस निकाल के इस पर यदि लगाएं थोड़ा सा, तो उससे कई लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, और ये ऐसा लिटरेचर के अंदर भी लिखा हुआ है। नहीं तो उसके अंदर स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस भी लगाते हैं, और या फिर एबलेटिव सर्जरी से या लेज़र से, उससे भी इनको डीबल्क किया जाता है, क्रायो सर्जरी भी इसके अंदर करी जाती है। चलिए अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट शो में और ये चर्चा जारी रखेंगे।